हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीमेल में अपना फ़ोटो कैसे लगाएं या जीमेल में किसी का भी फ़ोटो कैसे लगाएं। तो गैस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गैस बिना टाइम इन्वेस्ट करते हुए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आपको जीमेल ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि हम ये जीमेल ओपन कर रहे हैं। जीमेल ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले राइट साइड के ऊपर में टॉपअप में क्लिक करना है। राइट साइड में टॉपअप में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आपको लेफ़्ट साइड के टॉपअप के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें लिखा हुआ है ऐड प्रोफाइल पिक्चर। उसके बाद आपको ऐड ए प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका फ़ोटो अगर डिवाइस में है तो डिवाइस सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा फ़ोटो डिवाइस में है तो डिवाइस फ़ोटो के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपका फ़ोटो अगर गैलरी में है तो गैलरी क्लिक कर लेना है। गैलरी क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना फोल्डर चूज कर लेना है। जौन सा फोल्डर में आपका फ़ोटो है वो फोल्डर चूज कर लेना है। फोल्डर चूज करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप फ़ोटो सेट कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह फ़ोटो सेट करने के बाद सेव ए प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये कुछ टाइम लगा अपलोड होने के लिए। उसके बाद जैसे ही आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा यहाँ पे आपका फ़ोटो चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको गो इट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही गो इट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो जीमेल में सेव हो गया। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें।